नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एसी कंपनी का डीआई पैसा ट्रैक्टर। भाई ये ट्रैक्टर है, कंपनी ने हाल ही में इसको नया लॉन्च किया। किसान भाइयों, 4 सिलेंडर का इसमें इंजन लगा हुआ है, बॉस के इंजन करके। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 4028 सीसी के ट्रैक्टर में इंजन मिलता है। किसान भाइयों की बहुत बड़ा इंजन होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किसान भाइयों इसके इंजन देखते हैं। किसान भाइयों, अभी हम इसका और भी खोल खोल दिखाएंगे, क्योंकि भाई ट्रैक्टर ये सिंगल पीस में आता है, इसका जो बॉर्डर भी इजिली ओपन भी हो जाता है। किसान भाई वो अभी जैसे तो इसका होगी, इसको खोल देंगे भी। जैसे किसान भाई देखते हैं, उसका बोर्ड है वो आप इजिली ओपन अपने आप से ओपन हो जाता है। किसान भाई देखते हैं, यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है, यहाँ पे देखते हैं जिसके द्वारा ट्रैक्टर का बोर्ड है वो आराम से ओपन हो जाता है। किसान भाई इस सिस्टम में फ्रंट पे यहाँ पे देखते हैं इसकी एक्साइडिंग बैटरी मिल जाती है, एक्सप्रेस के नाम से आती है। भाई किसान भाई देखते हैं हैवी ड्यूटी बैटरी होती है, भाई उसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा होती है। एक्साइड आप जानते हैं एक्साइड कंपनी बहुत बढ़िया होती है, उसका सामान कंपनी लगाती है। किसान में बात करते हैं फ्रंट पे, तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी फिट है, यहाँ पे बेड मिल जाता है। अगर किसान भाई आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन मिल जाता है किसान भाई। और बाकी यहाँ पे देखते हैं यहाँ आप यहाँ पे बम्पर भी ला सकते हैं, यहाँ पे कंपनी होल दिए, कंपनी फिट आपको मिल जाते हैं, आपको ऐसा कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं बिल्कुल भी। किसान भाई अब बात करते हैं इसके एयर क्लिंगर के बारे में, तो किसान भाई ट्रैक्टर मिलता है ड्राइटर एयर क्लिंगर। भाई ये ज्यादा एयर क्लिंगर होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसमें बिल्कुल हवा होती है बिल्कुल साफ सुथ जाती है, जिससे इंजन में कोई भी समस्या नहीं आती। किसान भाइयों, किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो अलग से दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं इसका बॉक्स है वो यहाँ पे लगा हुआ है, पावर स्टीयरिंग का ऑयल है अलग से दिया गया है, इसका तेल अलग से दिया जाता है, जिससे आपको पता है पावर स्टीयरिंग के तेल में कोई कचरा वगैरह ना आए, जिससे पावर स्टीयरिंग को कोई भी नुकसान ना हो। किसान भाइयों, भाई देखते हैं इसका रेजुलेटर है, इसको यहाँ पे देखते पूरे पता है इसमें, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बोतल यहाँ पे दी गई है, कूलर की बोतल अलग से भी दी गई है। देखते हैं और इसका इंजन देख सकते हैं किसान भाई, बहुत बड़ा इंजन दिया गया, 4 सिलेंडर का दिया गया, बड़ा इंजन इस सेक्टर में लगाया। किसान भाई देखते हैं, और किसान भाई यहाँ पे वाटर सेपरेटर मिल जाता है, 2 फिल्टर मिल जाते हैं इंजन के लिए, जिससे ट्रैक्टर में तेल वगैरह वो बिल्कुल साफ सुथ जाए। किसान भाई दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं मिंडा कंपनी का यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क मिंडा का यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ है, जो बहुत बढ़िया होता है, जो बैटरी को फटाफट चार्ज कर देता है। किसान भाई और किसान भाई यहाँ पे देखते हैं इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग पंप और हाइड्रोलिक पंप कंपनी ने अलग यूज किया है। किसान भाइयों, ये भाइयों ट्रैक्टर है मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर बिल्कुल। किसान भाइयों, हुड के लिए ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 जैक दिए गए, एक्स्ट्रा यहाँ पे देखते हैं गैस वाले जैक होते हैं, जो इजिली आप से ओपन हो जाता है। किसान भाई देखते हैं, बाकी भाई ट्रैक्टर का जो तो पेंट है वो देखते हैं, पेंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है। किसान भाई देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पे इसका 3D में यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। किसान भाई देखते हैं 3D में लोगो लगा हुआ है, चेतक यहाँ पे लगा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ चेतक। भाई ट्रैक्टर की रफ्तार बहुत अच्छी रफ्तार, ट्रैक्टर की लाइट देख सकते हैं हेलोजन वाली, ट्रैक्टर में लाइटें दी गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया होती है ये, जो रात में रोशनी बहुत अच्छी प्रदान करती है। समझिए जैसे ट्रैक्टर का लुक है बहुत ज्यादा गजब, ट्रैक्टर का लुक में है कंपनी में। कूल सिस्टम की बात करते हैं तो समझिए यहाँ पे 3D लुक यहाँ से ट्रैक्टर को हवा मिलती है, और यहाँ से भी हवा मिल जाती है, और ऊपर से भी ट्रैक्टर की हवा मिलती है ट्रैक्टर के लिए, और साइड से भी ट्रैक्टर को हवा मिलती है। अब बात करते हैं भाई किसान भाई इसके फ्रंट एक्सल के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया गया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप खेती करते हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। किसान भाइयों, और इसमें आपको हैवी ड्यूटी यहाँ पे स्पेंडर मिल जाते हैं। किसान भाइयों सेक्टर में किसान भाई ये ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग है, तो किसान भाई सेक्टर में आपको इस सेक्टर में कंपनी ने 2 इलेक्ट्रिक वाला पावर स्टीयरिंग दिया है, 2 इलेक्ट्रिक वाला पावर स्टीयरिंग बहुत बढ़िया होता है। और किसान भाई सेक्टर में आपको आगे टायर 7 या 16 के मिल जाते हैं, MRF कंपनी ट्रैक्टर में टायर मिलते हैं, ओनली MRF सत्ती लाइफ के ट्रैक्टर में टायर आते हैं, सेक्टर में 14-18 टायर मिल जाते हैं, आप इसमें 16 का भी टायर ले सकते हैं। किसान भाइयों के लिए ऑप्शन मिल जाता है। किसान भाइयों इस सेक्टर में टायर है वो ओनली MRF के ही मिलते हैं। किसान भाइयों जो MRF का टायर होता है सबसे टॉप टायर MRF का ही होता है। किसान भाइयों यहाँ पे लिखा हुआ भी है MRF। किसान भाइयों देख सकते हैं ट्रैक्टर का कलर है ऑरेंज कलर दिया गया है ट्रैक्टर का, आप इसमें ब्लू कलर भी सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे इस सेक्टर में कलर का भी किसान भाइयों के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे क्लच प्लेट के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लच प्लेट के लिए आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। क्लच प्लेट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक प्लेट दी गई है, अगर आपको क्लच प्लेट कोई समस्या आती है तो यहाँ से क्लच प्लेट को सेट कर सकते हैं। किसान भाइयों ये बहुत अच्छा ऑप्शन कंपनी ने दिया है यहाँ पे। किसान भाई बात करते हैं ट्रैक्टर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो ट्रैक्टर ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया है, बहुत ज्यादा बढ़िया। ट्रैक्टर की ऊंचाई काफी ज्यादा है, और ट्रैक्टर की लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं। किसान भाई ट्रैक्टर की लंबाई है बहुत अच्छी है, जैसे ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग बहुत कम करता है, और जो काम है ट्रैक्टर परफेक्ट ट्रैक्टर है। यहाँ पे लिखा हुआ DC, वही DC का मतलब होता है डुअल क्लच, वही ट्रैक्टर में डुअल क्लच दिया गया है। इसका ब्रांड नेम है DI 65। और दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोलिक, तो कंपनी यहाँ पे दी गई है एडवांस हाइड्रोलिक्स,
भाई एडवांस हाइड्रोलिक इसलिए दी कंपनी ने कि भाई आजकल भारी भारी यंत्र आ रहे हैं उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर में, लिफ्ट की कैपेसिटी कंपनी ने पहले से बढ़ा दी है इस ट्रैक्टर की। भाई ये BS3A इंजन इसका यहाँ पे ट्रैक्टर में लगा हुआ है, आर स्पीड को ट्रैक्टर में लगा दिया, यानी कि ट्रैक्टर रिवर्स स्पीड होगा ऑप्शन कंपनी देती है ट्रैक्टर में। और दोस्तों जैसे कि पैरदान है, पैरदान ट्रैक्टर में कंपनी ने नॉर्मल पैरदान दिए हैं, आप इस पर इजिली आराम से चढ़ सकते हैं। क्लिच पैडल ट्रैक्टर बहुत बढ़िया दिए हैं, गियर जैसे ट्रैक्टर में साइड से ट्रैक्टर में गियर कंपनी ने दिए हैं जो ऑपरेट करने में काफी ज्यादा आरामदायक होते हैं। ट्रैक्टर में आपको चार गियर मिल जाते हैं और एक गियर रिवर्स मिलता है कि समझ देते हैं, और इस साइड में आपको हाई लो गियर मिल जाता है, इस ट्रैक्टर में आपको हाई लो मीडियम का ऑप्शन नहीं मिलता है समझ दे सकते हैं। अक्सर समय बात करते इसके हाइड्रोलिक्स के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पे ड्राफ्ट और पोजिशन वाले डबल लीवर दिए हैं जिससे आप हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेयरिंग है ट्रैक्टर का, छोटा स्टेयरिंग दिया गया है जो इजिली बिल्कुल रोको जाता है ट्रैक्टर चलाने किसान भाइयों। ये है DI-65 चेता ट्रैक्टर 4/2023 का लेटेस्ट मॉडल ट्रैक्टर का समझ दे सकते हैं। इसकी जो पीडी पावर है वो 34 किलोवाट ट्रैक्टर की पीडी पावर का समझ दी गई है। अब बात करते हैं इसकी SFC के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पर 265 ग्राम पर HP की सीट भाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। भाई कंफर्टेबल मामले सीट ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, एक नंबर ट्रैक्टर सीट है भाई। फेंडर देखते हैं, फेंडर ट्रैक्टर बहुत बढ़िया दिए गए, चौड़े मरका ट्रैक्टर पर दिए हैं जिससे पैसेंजर बैठने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली किसान भाइयों। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है बुल वाला गियर बॉक्स, यानी कि ट्रैक्टर में मिलता है डबल रिडक्शन वाला हैवी बुल गियर ट्रैक्टर मिलता है किसान भाइयों, जो ट्रैक्टर भाइयों पावर के मामले में बहुत बढ़िया होता है, इसमें CVT की समस्या काफ़ी कम आती है और ट्रैक्टर पावर बहुत अच्छी लगाता है किसान भाइयों। लिफ्ट के आराम देते हैं बहुत ज़्यादा हैवी किसान भाइयों ट्रैक्टर मिल जाती है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर भी दीजिएगा किसान भाइयों, डिस्ट्रीब्यूटर का भाइयों फायदा ले सकते हैं, जैसे आप लंबे MV प्लग चलाते हैं या लेजर लिवर चलाते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं आराम से, हैवी हिच मिलता है किसान भाइयों। और यहाँ पर देखते हैं इसकी स्टेवार जैक सिस्टम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी दिया है, कंपनी फिट से मिलता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है किसान भाइयों। लिफ्ट की पट्टी बहुत ज़्यादा बढ़िया दी गई समय हो। हाँ भाई यहाँ पर देखते हैं बैक लाइट मिल जाती है समय हो आपके लिए, लॉ लाइट से बोलते हैं, और इंडिकेटर ट्रैक्टर मिल जाते हैं, कंपनी फिट मिलते हैं, साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों ये कंपनी है ट्रैक्टर खुद ही ट्रैक्टर बनाती है अपने आप से ही, ए सी कंपनी के हाइड्रा भी आते हैं यहाँ पे देखो, और के बैक लोडर भी आजकल आ रहे हैं किसान भाइयों। तो भाइयों AC कंपनी का ऐसा नहीं है, AC कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, जो AC कंपनी बहुत अच्छे ट्रैक्टर बनाती है किसान भाइयों के लिए, AC का हैड्रा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।